और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। 2022 में यूरोलॉजिकल कैंसर पर हुई व्यापक चर्चा। आपको बता दें, कोरोना महामारी के बाद देश भर में स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष रूप से क्रांति देखने को मिल रही है। जगह जगह स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के रोहिणी इलाके में देखने को मिला, जहां राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आरजीकॉन के 20वें संस्करण में विशेष रूप से इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। 15 अप्रैल से शुरू हुई इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इस बार कैंसर के इलाज के लिए मल्टी मॉडल अप्रोच को देखते हुए मेडिकल ऑंकोलॉजी, सर्जिकल ऑंकोलॉजी और रेडिएशन ऑंकोलॉजी मिलकर संचालन कर रहे हैं। इसमें एम्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और वाराणसी, एससीजी बेंगलुरु, एससीजी अहमदाबाद के अलावा अन्य देशों के बड़े कैंसर केयर अस्पतालों के करीब 15 वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हुए। इस बार के कॉन्फ्रेंस में यूरो ऑंकोलॉजी की जांच एवं इलाज समेत विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक लंबे समय के बाद आयोजित हुए इस तरह के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज जिस तरह से बीमारियों का स्वरूप बदल रहा है, उस लिहाज से इस तरह के कार्यक्रम से नई टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलता है, जो कि बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की चौथी लहर की संभावनाओं के बीच लोगों से मास्क के साथ कोरोना संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की। साथ ही इस दौरान राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर रावल ने रेडजियस स्पेरिंग मेडिकल प्रोस्टोटेकोमी के बारे में बताया कि किडनी कैंसर के मामले में 3D रिस्ट्रक्शनल मॉडल पर भी व्यापक चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने इलाज के लिए नई तकनीक पर विशेष रूप से जोर दिया। गौरतलब है कि वर्तमान समय में नई तकनीक की बदौलत यूरिनरी ट्रस्ट के कैंसर की जांच की दर बढ़ी है। इसके लिए विशेष प्रकार का PSMA प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट CD स्कैन किया जाता है, जिससे पारंपरिक FDG पेट CT स्कैन से बेहतर नतीजे मिलते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यूरिनरी ट्रस्ट के कैंसर के लक्षणों में पेशाब में खून आना, जलन होना आदि शामिल है। समय पर जांच हो जाए तो इलाज का अच्छा नतीजा मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल, खान पान, नियमित व्यापक जैसे कदमों के माध्यम से कैंसर से बचने की सलाह दी गई। साथ ही इस मंच के संचालन से लोगों को कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर भी विशेष सावधानियां बरतने की अपील की गई। जगह न्यूज 24 दिल्ली से नेशनल सह संपादक अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर सुधीर रावल हूं, आई एम यूरो ऑंकोलॉजिस्ट Since 25 years in this hospital and ये 20th हमारी कॉन्फ्रेंस थी आरजीकॉन, जो ईयरली इवेंट है, और इसमें हमने यूरोलॉजिकल कैंसर कवर किए हैं, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और बेसिकली इसमें व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सब कवर की गई हैं। उसमें वर्कशॉप भी थी, जो लेटेस्ट सर्जरी हैं, रोबोटिक सर्जरी वो है, प्लस उसमें इम्यूनोथेरेपी पर, रेडियोथेरेपी पर क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं वो सारे कवर किए गए हैं। तो पिछले 2 दिन से हम लोग ये कर रहे हैं, अभी कल भी आधा दिन और ये चलेगी कॉन्फ्रेंस। दिस इज बेस्ड ऑन जस्ट प्रेडिक्शंस वेदर देयर विल बी अ फोर्थ वेव, व्हेन इट विल बी। यस, केसेस आर राइजिंग एंड दैट इज रिलेटेड टू डिक्रीज इन आवर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बट हॉस्पिटल एडमिशंस हैव नॉट गॉन अप दैट मच, सो इट सीम्स दैट करंटली इट इज स्टिल अ माइल्ड इलनेस विच इज अ फ्लू लाइक सिंड्रोम। So rising numbers are there, but they are all mild illness. There is not an increase in significant increase in hospitalization, which is a good sign.